तारीख 10 नवंबर 2021, जगह अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम, मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच। जी हाँ, वो मैच जहां न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कैसे हराया, किस तरह से हराया, वो ना तो न्यूजीलैंड को पता चला और ना ही इंग्लैंड को। बस बन गया एक ऐसा माहौल जिसके सामने इंग्लिश टीम की एक ना चली। वो माहौल जब कीवी टीम इंग्लैंड को हराकर 2021 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। इस मैच में वैसे तो दोनों ही टीमों के पास एक से बढ़कर एक सितारे थे, वो सितारे जिन्होंने न जाने कितने बार अपने खेल से अकेले हीरो बनने का सम्मान पाया था। लेकिन विलियमसन, टिम साउदी, मार्टिन गप्टिल और ट्रेंट बोल्ट जैसे सितारों के बीच एक खिलाड़ी अकेले ही इंग्लैंड के धागे खोल गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के नए हीरो डैरिल मिचेल की। वो डैरिल मिचेल जिसने मैच में नाबाद 72 रन बनाकर ना सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल मैच को शुरू से अंत तक फिनिश किया, बल्कि उन्होंने लगभग 2 साल पहले इंग्लैंड के हाथों 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला भी ले लिया। ऐसे में जो लोग ये नहीं जानते कि आखिरकार ये डैरिल मिचेल कौन है जिन्हें अब तक न्यूजीलैंड ने छुपा रखा था, आखिर ये डैरिल मिचेल का मैच विनर अवतार वर्ल्ड कप में ही क्यों नजर आया और ये डैरिल मिचेल के क्रिकेटर बनने की कहानी क्या है। न्यूजीलैंड में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चों की तरह डैरिल मिचेल को भी रग्बी खेलना पसंद था। ये पसंद और भी ज्यादा पसंदीदा इसलिए बनती गई क्योंकि उनके पिता एक रग्बी कोच जो थे। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल होगा कि जब डैरिल मिचेल के पिता रग्बी कोच थे और वो बचपन में रग्बी खेला करते थे, तो आखिरकार कैसे वो एक क्रिकेटर बन गए। तो दरअसल मामला ये है कि एक वक्त पर जब डैरिल मिचेल के पिता इंग्लैंड में एक रग्बी टीम के कोच बने, तो वहां मिचेल को क्रिकेट का चस्का लग गया। इसके बाद डैरिल के पिता जॉन मिशेल जब ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय के लिए कोचिंग कर रहे थे, वहां पर भी डैरिल लगातार क्रिकेट खेल रहे थे। और जब उनका क्रिकेट में प्यार और स्किल्स बढ़ते चले गई, तो उन्होंने क्रिकेट को करियर के रूप में चुन लिया। डैरिल मिचेल ने 6 फरवरी 2019 को भारत के खिलाफ वेलिंगटन मैच से T20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। डैरिल अपने डेब्यू T20 मैच में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये सीरीज उनके लिए एक ऑलराउंडर के तौर पर शानदार रही, जहां उन्होंने रोहित शर्मा और धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को आउट किया। डैरिल को एक वक्त पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालने वाला गेंदबाज माना जाता है, लेकिन उनका ओपनिंग अवतार दुनिया के सामने आना अभी बाकी था। डैरिल मिचेल का न्यूजीलैंड के लिए अब तक करियर देखें, तो उन्होंने अब तक 5 टेस्ट मैच में 58 की औसत से 232 रन बनाए हैं, जहां उनके नाम एक सेंचुरी भी है। वहीं वनडे में भले वो 3 मैच खेले हों, लेकिन यहां भी उन्होंने सेंचुरी मार दी है। और T20 की बात करें तो इस फॉर्मेट में डैरिल मिचेल ने 21 मैचों में 24.64 की औसत से 345 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 72 रन का है, जो उन्होंने सेमीफाइनल में ही इंग्लैंड के खिलाफ लगाया है। साफ है, डैरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया है। अब कीवी टीम चाह रही होगी कि एक बार फिर से इस खिलाड़ी का बल्ला फाइनल में जमकर गरजे, क्योंकि डैरिल मिचेल के पास वो काबिलियत है जो समय पड़ने पर गेम बना सकते हैं और गेम फिनिश भी कर सकते हैं, जिसको देखकर न्यूजीलैंड के साथ पूरा क्रिकेट जगत अब यही कह रहा होगा कि न्यूजीलैंड को उसके भविष्य का सुपरस्टार मिल चुका है।